So hello guys, welcome to Forum Hotspot. In this video, we're going to discuss about anti-amoebic agent. So guys, anti-amoebic agent, ये एक medicinal chemistry का topic है जो हम आज discuss करने वाले हैं. So first of all हम देखेंगे कि problem क्या है, उसके बाद हम discuss करेंगे उसकी drugs. So first of all, these are the drugs useful in infection caused by the protozoa, anti-amoeba, histolytica का. सो ये एक हमारे पास प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. सो ये मेनली हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम इसी को किल करने की हम ड्रग्स भी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है. और ये माइल्ड डायरिया से डिजनेटरी इसके सिम्टम्स हैं. तो ये डिजनेटरी क्या है, ये एक गैस्ट्रो एंट्राइटिस है जो होता है डायरिया विद ब्लड. सिंपल अगर आप डायरिया कहोगे तो फिर वो डायरिया है, पर अगर डायरिया विद ब्लड है सो आप इसको बोलते हैं डिसेंट्री. तो ये इसके सिम्टम है. अदर सिम्टम क्या है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग और ऑफ इनकम्प्लीट डिफिकेशन. उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है. सो दो तरह का करता है ये, पहला है सिस्ट फॉर्म, दूसरा है ट्रोफोजाइट फॉर्म. सो जो सिस्ट फॉर्म है गाइज वो है दे कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, एंड जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो लाइबल है, मतलब बॉडी बाहर जाती है मर जाएगी और आउटसाइड द बॉडी में जिंदा नहीं रहती. तो अब आप देखते हैं इस पिक्चर को, आप क्लियरली देख सकते हो इमेज में, और मैं जूम कर देता हूँ इसको. तो ये अमीबा, ये हमारी अमीबा है, और ये ट्रोजोफोसाइट में ये कन्वर्ट हो रही है, और इसके या तो ये सिस्ट बन जाएगी, और सिस्ट बन के ये रेक्टल रूट के उसमें इन्फेक्शन कर देगी, या फिर ये ट्रोफोसाइट फॉर्म में होके ये जीआई अल्सर प्रोड्यूस कर देगी, और अल्सर के साथ साथ ये ब्लड स्ट्रीम में जाके लिवर को भी इन्फेक्ट कर देगी. सो बेसिकली अमीबा कन्वर्ट होगी ट्रोफोसाइट्स में, और ये साइकिल चलती रहेगी इसकी. फिर दोबारा अमीबा फिर ट्रोफोसाइट्स का कुछ पार्ट हमारा जीआई अल्सर प्रोड्यूस कर देगा, ब्लड स्ट्रीम में जाके लिवर को इन्फेक्ट कर देगा, या फिर ये क्या करेगा सिस्ट फॉर्म करके रेक्टल रूट में जाके उसमें ये करेगा. सो ये सारा हमारा ये इंटेस्टाइन है, येलो येलो जो भी है हमारा, और ये ब्लड स्ट्रीम है, ये लिवर है, और यहाँ से सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं साइड. उसके बाद अगर हम बात करें कि उसकी स्टेप्स की, तो पहला क्या होगा, इंजेशन ऑफ सिस्ट होगा. की सिस्ट आर इंजेस्टेड थ्रू फीसिस, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. जो हमने पढ़ा था कि रेक्टल रूट में जाके ये फीसिस को कंटामिनेट कर देगी, मतलब और पीपल को भी इन्फेक्ट करेगी. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोसाइट्स, सिस्ट आर पास्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन वेयर द ट्रोफोसाइट्स आर लिबरेटेड. थर्ड है पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रोफोसाइट्स, कि जो ट्रोफोसाइट्स है वो और ज़्यादा नंबर में इंक्रीज होंगे. फिर सिस्टमिक इन्वेजन होता है. इन्वेजन क्या होता है, किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट करना, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाना. सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोसाइट्स विद इन द कोलोन सेल कैन ऑल्सो लीड टू सिस्टमिक इन्वेजन एंड कॉज लिवर एब्सेसिस. जैसे हमने पढ़ा था कि वो ब्लड में जाके, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके लिवर एब्सेस कर देगी, मतलब लिवर को इन्फेक्ट कर देगी वो. फिर सिस्ट डिस्कार्डेड, जो ट्रोफोसाइट्स विद इन द इंटेस्टाइन आर स्लोली कैरिड टुवर्ड्स रेक्टम वेयर दे रिटर्न टू सिस्ट फॉर्म एंड एक्सक्रीटेड इन फीसिस. तो वो रेक्टल में जाके फीसिस के द्वारा बाहर निकल जाएगी और लोग को इन्फेक्ट करेगी. फिर गाइस हम पढ़ते हैं एंटी अमोबिक ड्रग. सो ये ड्रग है जो यूजफुल है इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में. सो फर्स्ट है टिश्यू एमिबोसाइड, टिश्यू एमिबोसाइट, और दूसरा है ल्यूमिनल अमीबोसाइट. सो जो टिश्यू एमिबोसाइट है वो बोथ है इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, दोनों में मतलब ये बनाए दोनों के लिए. इंटेस्टाइनल मतलब क्या हुआ, जो जी आई एल सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा था, और एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ, रेक्टल रूट हो गया, लिवर हो गया, तो ये सारे आते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, मतलब इंटेस्टाइन के एरिया से बाहर, तो वहाँ भी एक्ट करेगी ड्रग्स. पर जो ल्यूमिनल होता है वो खाली हमारी इंटेस्टाइनल को ही वर्क करेगी, ठीक है. सो ये खाली इंटेस्टाइनल रूट पर ही वर्क करेगी. सो टिश्यू के अंदर आते हैं नाइट्रो इमिडाजोल, उसके बाद एक होते हैं एल्कोलाइड, ठीक है. अगर आप टिश्यू में भी देखो तो इसमें भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, बोथ और एक है खाली
जो बस एक्स्ट्रा के लिए काम करेगी। तो जो खाली एक्स्ट्रा के लिए काम करेगी, वो आपने सुन रखा होगा पहले, एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विनोन। तो ये एक ऐसी ड्रग है जो खाली एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में काम करेगी, मतलब इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगी, वैसे मेनली लिवर में काम करती है गाइस। सो ये एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल ड्रग्स के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो दोनों पे एक्ट कर रही है, वो है नाइट्रो इमिडाजोल और एल्कलोइड। तो हम ये सारे पढ़ेंगे इनके बारे में। और अगर हम बात करें ल्यूमिनल में, ल्यूमिनल में सिंपल जो इंटेस्टाइन में करती है। सो आपको बस ये याद रखना है, इंटेस्टाइन और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रही है वो है ल्यूमिनल, जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रही है वो है टिश्यू, और जो दोनों पे एक्ट कर रही है वो भी टिश्यू वाली है। ठीक है, सो ये बेसिकली तीन उसकी साइट हो गई एक्ट करने की। उसके बाद ल्यूमिनल में आते हैं अमाइड्स, और आते हैं 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स और एंटीबायोटिक्स। सो वन बाय वन करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोइमिडाजोल। सो इसमें एक इमिडाजोल की रिंग है जिसमें दो नाइट्रोजन और 5 साइकिल रिंग है। सो ये इसके स्ट्रक्चर है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें सिंथेसिस की, सो ये बनाए ग्लाइओक्सल से, और इसमें दो अमोनिया करके ये साइक्लाइजेशन हुई है। साइक्लाइजेशन के बाद हमने इसको रिड्यूस कर दिया, इसमें NO2 ग्रुप ऐड कर दिया, नाइट्रेशन कर दिया हमने इसकी। नाइट्रेशन के बाद इसमें NaOH ऐड करके हमने ये बना दिया। अगर हम बात करें इसका मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो ये सेल में जाती है बाय डिफ्यूजन, और सेल के अंदर जाके ये रिड्यूस जाती है नाइट्रो रेडिकल में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, सेल के अंदर गई, सेल के अंदर जाती नाइट्रो रेडिकल में कन्वर्ट हो गई। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, जैसे कि फेरोडोक्सिन इसका एग्जांपल। उसके बाद गाइज ये उसका मैकेनिज्म है कि कंपीट करेगी विद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ, और एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रॉन सिंक। ठीक है, जो कि होगा हमारा PFOR पे। तो PFOR क्या है, पाइरूवेटेड फेरोडोक्सिन ऑक्सी रिडक्टेज। तो ये इस पे साइकिल पे ये एक्ट करेगी, उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रप्ट कर देगी। सो हमको ये एल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए इस ड्रग के साथ। सो ये फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर ऑल एमोबिक इन्फेक्शन। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइकोमोनस वेजनाइटिस। ये वाली जो ड्रग है वो रेक्टल इन्फेक्शन में काफ़ी यूज़ होती है। उसके बाद हमारी सेकेंड क्लास थी टिश्यू एमवियसाइडल की, वो है एल्केलॉइड। सो इसमें एमिटिन और डाईहाइड्रोमिटिन दो ड्रग्स हैं। एल्कोलाइड है जो सिफेलिस इपेकेकुना से मिली है, और ये ट्रोफोजोइट्स हैं उनको किल करेगी, जो कि हमारे उसमें जाके जी आई अल्सर करा रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो उनको सिंपली किल करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके अरेस्ट कर लेगी इंट्रा राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन ऑफ tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स को। क्लोरोक्विन, सो क्लोरोक्विन खाली हमारी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल काम करती है। सो ये अगेन ट्रोफोसाइट्स को किल करेगी, हाईली कंसेंट्रेटेड इन लिवर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की लिवर में ज़्यादा पाई जाती है। सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक एमयूबीएसिस ओनली। हिपैटिक मतलब होता है लिवर। सो खाली जो लिवर में जो एमबीएसिस हो गई है उसके लिए ही काम करेगी, और इफेक्टिव इन ल्यूमिनल और इन्वेसिव डिसेंट्री। डिसेंट्री हमने पढ़ा था ब्लड विद डायरिया। मैकेनिज्म एक्शन की अगर हम बात करें, सो ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या करता है, जो ग्लोबिन है वो जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो यूटिलाइज कर लेगा। सो ये हीमोग्लोबिन टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हीमो और ग्लोबिन। अब ग्लोबिन तो मलेरिया पैरासाइट ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये तो काम आना नहीं, तो बचा हीमो। हीमो को हम कहते हैं हीम, और हीम क्या है, हाईली टॉक्सिक है फॉर मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, सो हीम को इस हमारे वो जल्दी से जो ये हीम पॉलीमरेज होता है, हीम पॉलीमरेज क्या करता है, हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाती है। पर अब क्या हुआ, हमने उसको क्लोरोक्विन दे दिया, मेफ्लोक्विन दे दिया, तो ये ड्रग्स क्या करती है, जो हीम पॉलीमरेज को है उसको अपना काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस यहीं पर साइकिल स्टॉप हो जाती है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस मलेरिया पैरासाइट की बॉडी में रह जाता है, और मलेरिया आगे बढ़ नहीं पाता, उसकी सिंपली
डेथ हो जाती है। सही है था उसका पूरा पूरा मैकेनिज्म कि हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन यूटिलाइज हो गया तो खाली हीम बचा और ये हाईली टॉक्सिक है। ये सेम एक्शन एंटी मलेरियल ये उस एक्शन भी है ये सेम। सो आप उसमें भी ये ड्रग्स लिख सकते हैं क्लोरोक्विन वाला और सेम मैकेनिज्म बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग थी वो है ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स। तो ल्यूमिनल क्या होता है गाइस, ये होती है इनर वॉल ऑफ आर्टरी या कोई भी वेसल हो गई या कोई भी अपनी इनर लाइनिंग हो गई सिंपली, तो वो होता है ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल एमीसाइड ये खाली हमारी इंटेस्टाइन पे काम करती है, इंटेस्टाइनल ड्रग है। तो इसमें तीन है अमाइड, सेकेंड है 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और थर्ड है एंटीबायोटिक। तो तीनों बन बन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारी वो है डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट। सो हाईली इफेक्टिव इन ल्यूमिनल एम्बियोसाइड, फ्यूरेट एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड इन एन एक्टिव साइट टू रिलीज डाइलोजेनाइड। सो जो फ्यूरेट एस्टर है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिलीज करता है डाइलोजेनाइड को। साइड इफेक्ट क्या है इसका, नोजिया और फ्लेचुलेंस। और ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं इंटेस्टाइनल एमियोबिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको बेसिकली। फिर हमारा नाइट्रोजेनाइड जो कि प्रोड्रग है और ये प्रोड्रग से ये टाइजोजेनाइड में एक्टिव हो जाती है और ये अगेन पीएफओआर को इनहिबिट करेगी, जिसको मैंने बोलता पाइरूवेट फ्यूरोडॉक्सिन ऑक्सी रिडक्टेज पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेंट मेटाबॉलिज्म इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ये हमारी सेकंड जो सब डिवीजन थी वो थी 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स। सो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये आयोडीज़म से मेनली प्रोड्यूस होती है और ये कोज करती है न्यूरोपैथिक सिंड्रोम जिसका नाम है सब एक्यूट माइलोप्टिक न्यूरोपैथी। सो ये सिंड्रोम कोज करती है ये। उसके बाद जो लास्ट ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन। सो ये इनिबिट करेगी बैक्टीरियल फ्लोरा विद एंटामीबा लिव सिम्बायोटिकली। सो गाइस होता क्या है कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं कुछ हमारे बॉडी के अंदर, तो उनके संग भी ये अमीबा वाले बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन देके हम जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के उन सबको किल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा रिस्क हमारा काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और ये उसका स्ट्रक्चर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हेयर ज्वाइन दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग दिस। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।